दोस्तों, 10 सितंबर से श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और इन श्राद्धों में करने वाले उपाय मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इन उपायों को करके आप अपने पितरों की आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। आज मैं शेयर करूंगी आपसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनको करना चाहिए और उनके उपाय को करके आपका किस तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं इन उपाय की तरफ। पृथ्वी पक्ष पर करें ये 10 बहुत ही चमत्कारी उपाय। पितरों के आशीर्वाद के साथ मिलेगा आपको धन। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए 15 दिन तक चलने वाले कार्यकाल को पितृपक्ष कहा जाता है। माना जाता है कि इन दिनों पितरों के लिए तर्पण व श्राद्ध किया करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। मगर पितृपक्ष पर किए गए कुछ खास टोटकों से पितरों की विशेष कृपा पाई जा सकती है, वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। अगर आप आर्थिक समस्या परेशान हैं तो इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खीर का भोग लगाएं। उन्हें दूध और चावल से बना खीर और पूरी अर्पित करें। यदि भोजन चांदी के बर्तन में परोसा जाए तो ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, पितरों को खीर पूरी चढ़ाने के बाद 21 कन्याओं और 7 बालकों को खीर पूरी खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही घर में धन धान्य आता है। इससे परिवार के लोगों की आय और स्रोत भी बढ़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पितृ पक्ष में नारियल का टोटका अपनाएं। इसके तहत चींटियों के बिल के पास 3 नारियल के गोले जमीन में दबा दें। ऐसा करने से ये परेशानी दूर होगी और शीघ्र ही कन्या का विवाह होगा। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मनोकामना अधूरी है तो आप पितृ पक्ष पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। इसके तहत आपको 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करना होगा। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष के 7 बार परिक्रमा करनी होगी। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में कोई काफी बीमार है तो आप पितृ पक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख दे। थैले में 100 ग्राम गेहूं के दानों के साथ 1 रुपये का सिक्का और एक कील बांध कर रख दे। अब अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ाएं। आते समय किसी से कुछ न बोलें। ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य में लाभ होगा और जो इंसान बीमार है वो बहुत जल्दी ठीक होगा। मनोकामना पूर्ति के लिए पितृ पक्ष में रोजाना पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल पुष्प अक्षत दूध गंगा जल काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों को याद करें। ऐसा करने से पितृ गण प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो पितृ पक्ष के सोमवार को प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाएं। जब शिवलिंग पर अर्क के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी और बिल्व पत्र चढ़ाएं, ऐसे दोष दूर हो जाएगा। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बाद कामयाबी नहीं मिल रही है तो पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। पितृ अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखने से पूर्वज खुश होते हैं। इससे बुरी नज़र से भी बचाव होता है। जो वे बिजनेस में सफलता पाने के लिए पितृ अमावस्या के दिन कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े से बताशे और काला तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से कर्म करें और श्राद्ध कर्म करें। गरीब, अपंग व विधवा महिला को दान दें। पढ़ें गीता का 7वां अध्याय या मार्कंडेय पुराण, तत्व पितृ स्तुति करें। 13-14 अमावस्या पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। मांस और मदिरा से दूर रहे महिलाओं का सम्मान करें। घर का वास्तु ठीक करवाएं। केसर का, चंदन का तिलक लगाएं। गुरु के उपाय करें। गया में जाकर दर्पण पिंडदान करें। दोस्तों, ये उपाय जो हैं सारे पितृ दोष को खत्म करने के लिए हैं और ये सब उपाय करें। इससे आपके घर में सुख शांति और सुख समृद्धि होगी। घर में जितने भी दोष हैं वो खत्म होंगे। जिंदगी में जितने भी परेशानियां हैं वो खत्म होंगी आपकी, अगर ये पितृ दोष के उपाय आपने करेंगे तो।
दोस्तों, इन दोनों पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इस दौरान कई लोग पितृदोष की पूजा भी करवाते हैं। कहते हैं कि पितृदोष दूर करने के लिए आप कई प्रकार के उपाय आजमा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृदोष के चलते आपको कई प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इस दौरान हर जगह से आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं। अगर आप पितृदोष के उपायों को करेंगे तो आपके धीरे धीरे सभी काम बनने लगेंगे। अगर आप इन सब उपाय को करेंगे तो इन उपायों से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए आप रोजाना पीपल और बरगद के पेड़ को जल चढ़ाएं। उसके साथ ही आप अक्षत फूल, काले तिल भी अर्पित करें। शास्त्रों के मुताबिक पितृदोष दूर करने के लिए इन पेड़ों को रोजाना जल दें और पितरों का स्मरण करते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगें। इसके साथ आप मंदिर में सिक्के दान कर सकते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए आप रोजाना सुबह और शाम कपूर जलाएं। इसके साथ ही गुड़ में घी मिलाकर धूप दें व गाय, कुत्ता को और चींटी व चिड़ियों को भोग लगाएं। इन्हें रोजाना रोटी व रोटी खिलाएं। इससे दोष दूर होंगे धीरे धीरे। पितृपक्ष में श्राद्ध तिथि के दिन आप ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। इसके साथ ही आप पितरों को पसंद का भोजन किसी जरूरतमंदों को दें। ख्याल रखें कि खाना आपने खुद बनाना है। भोजन के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगा सकते हैं। वहीं घर से बाहर निकलते समय पितरों का स्मरण जरूर करें। इससे काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।